हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास. दिस इज रीता मैम, योर पॉलिटिकल साइंस टीचर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द चैप्टर 2 फ्रॉम बुक 1, बाइपोलैरिटी, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. ओके, अर्लियर वी हैव डन चैप्टर 1, कोल्ड वॉर, दोनों देशों में चल रही थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन में चल रही थी, एंड फ्रॉम दिस चैप्टर वी हैव डन बाइपोलैरिटी. बाइपोलैरिटी मतलब नाउ एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. Now two polars, two big superpowers are going to end and unipolar world will be there. सिर्फ एक ही पावर रह जाएगी. अभी हमने जो पावर रह जाएगी आगे वो नहीं पढ़ी है. फिलहाल we have done Soviet Union, disintegration of Soviet Union. Okay, चलो थोड़ा सा sum up कर दे सुखमन, recapitulate कर दे. Something about Soviet Union, वो क्या था? बुक खोल ले, खोलनी है तो. वो क्या था? उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, गर्बाचोव, और फिर एंड क्या होगा, फिर मैं पढ़ाती हूँ. 5 मिनट में बता दे, जहां से तू भूलेगी आई हेल्प. हां जी बता. मैम, सोवियत यूनियन को हम कम्युनिज्म भी, कम्युनिज्म का पार्ट है, उसको सेकंड वर्ल्ड भी कहते हैं, और नो ऑपोजिशन पार्टी है, ओनली वन पार्टी इज कम्युनिस्ट, व्हिच इज उसके साथ इंक्लूड है, ईस्टर्न अलायंस है. और इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है कि वेल एस्टेब्लिश मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस है, बेस अमेनिटीज है, नीड्स है, नो अनएम्प्लॉयमेंट है. और जो नेगेटिव पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स हमारे ये है कि इसमें जो ट्रांसपोर्ट था थोड़ा सा इसमें कमजोर था. जो इसमें एक और भी था कि मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजंस, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, एब्सेंस ऑफ फ्रीडम एंड ऑथराइजेशन. फिर बाद में आएगा मिक्स पॉइंट्स आते हैं कि उसमें टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, पावर, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ सिटीजंस. बस ठीक है. बजट एंड वाज नॉट गुड. ठीक है. गर्बाचोव कैसा था लीडर? मैम वो अपनी जगह बहुत ठीक था, बट उसकी मानी नहीं गई कि सारे उसके अगेंस्ट चले गए थे, और उन्होंने दूसरी दूसरी जो था वो उसका नाम क्या था, भी नाम नहीं याद आ रहा. बोरिस, हाँ, उसके साथ चले गए थे. तो एंड में तो रशिया ने जो था सोवियत यूनियन था उसने अपना ले लिया था. ठीक है, तो सोवियत यूनियन टूट के कौन सा देश बन गया? रशिया. रशिया बन गया, रशिया आज भी है. चलो अब प्लेटफॉर्म आपको क्लियर है ना? ओपन योर बुक, थोड़ा सा पढ़ेंगे और आज थोड़ा सा मैं लिखवाऊंगी कॉपी पर. अच्छा, आई हैव सेंट यू नोट्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्यूशन ऑफ चैप्टर 1. And I have just told you to take out printout and staple in the copy, or you can directly note down. या तो इसके note down कर लो या इसके printout लेकर copy पे paste कर लो. दोनों में से एक काम कर लो. And if your notebooks will not update, अगर उसके question answers नहीं लिखे हुए या नहीं staple करे हुए, then it means you are piling up your work and you are putting yourself into difficulty. ग्रेड 12 है, बोर्ड क्लास है, इट इज नॉट अ जोक. ग्रेड 11 की बात और थी, ग्रेड 12 की बात और. ओके, चलो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. अब जहां से जिसको, जशन कैमरा ऑन बेटा, जहां से जिसको कोई प्रॉब्लम आएगी, समझ नहीं लगेगी, यू कैन टेल मी, यू कैन रेज योर हैंड एंड आई विल क्लियर योर डाउट. ठीक है, हाँ जी, शैल वी स्टार्ट बेटा. पेज नंबर, गर्बाचोव हमने कर लिया था, ठीक है. व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड, दिस वी हैव डन. थोड़ा सा गर्बाचोव पढ़ा था. चलो सुखमन शुरू करो. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल देम पेज नंबर एंड पैराग्राफ. पेज नंबर 21, थर्ड पैराग्राफ. हाँ जी, स्टार्ट करो बेटा. Gorbachev reforms promised to deal with these problems. Gorbachev promised to reform the economy, catch up with the West, and loosen the administrative system. You may wonder why the Soviet Union collapsed in spite of Gorbachev's accurate diagnosis of the problem and his attempt to the implement reforms. Here is where the answers become more controversial, and we have to depend on future historians to guide us better. अच्छा, अब सुखमन ने पढ़ा कि बंदा तो वो बहुत सही था, गर्बाचोव सोवियत यूनियन को जोड़ने की बहुत कोशिश की, बट ही फेल. आखिर ऐसा क्या हुआ, कितनी रिफॉर्म्स के बावजूद भी? आप यहाँ पर बेटा क्वेश्चन लिखो जहां से सुखमन ने पढ़ना शुरू किया. यहाँ पर क्वेश्चन लिखो, वाई गर्बाचोव, वाई मिखाइल गर्बाचोव वाज फेल्ड इन स्पाइट ऑफ मच एफर्ट्स. वाई मिखाइल गर्बाचोव फेल्ड
इन स्पाइट ऑफ मच एफर्ट्स एंड रिफॉर्म्स, इतने सारे रिफॉर्म्स करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी गर्बाचोव क्यों फेल हो गया और सोवियत यूनियन बच नहीं पाया, सोवियत यूनियन टूट गया। चलो बेटा सुखमन कंटिन्यू करो, द मोस्ट बेसिक आंसर, आखिर क्या है इसका आंसर? यस, the most basic answer seems to be that when Gorbachev carried out his reforms and losing the system, he set in motion forces and expectations that few could have predicted and became virtually impossible to control. There were sections of Soviet society. Sukman ek line ke baad. Ab Sukman ne padha ki iska sabse answer to bechare ka yehi hai, kyun fail ho gaya bechara? Jab jab Gorbachev carried out reforms and losing the system, he set in motion forces and expectation that few could be few could be like चली गई है कोई बात नहीं few could be predicted and become virtually, इसको लगता था कि मैं reforms तो कर रहा हूँ और जैसे जैसे मैं reform कर रहा हूँ ना वैसे वैसे ही और दिक्कत आएगी क्योंकि दूसरे उसके anti हो गए थे। This was the first reason. अभी mark नहीं करना, okay? Don't mark right now. हाँ जी सुखमन कंटिन्यू बेटा, देयर वर सेक्शंस, कंटिन्यू बेटा सुखमन। There were sections of Soviet society which felt that Gorbachev should have moved much faster and were disappointed and impatient with this with his methods. कुछ लोग कहते हैं कि शायद गर्बाचोव थोड़ा फास्ट होना चाहिए था, उसने जो रिफॉर्म्स करे ना धीरे धीरे करता गया और जब वो धीरे धीरे करता गया तब बाकी पब्लिक ने नकल मारी, कंपैरिजन किया अमेरिका के साथ कि यार हम तो बहुत पीछे हैं, कब गर्बाचोव रिफॉर्म करेंगे और हमारे देश को इकोनॉमी को सेट करेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम सेट करेंगे। सो कुछ लोग कहते हैं दिस वाज द फर्स्ट रीजन सुखमन ने पढ़ा दैट गर्बाचोव शुड हैव मूव्ड मच फास्टर, उसको थोड़ा जल्दी चलना चाहिए था, वो बहुत धीरे था एंड इंपेशेंट विद हिज मेथड, खुद ही कुछ रूल बनाकर खुद ही उसको डिलीट कर देता था निकाल कर बचाओ। सो दिस वाज द फर्स्ट रीजन। हां जी सुखमन, दे डिड नॉट बेनिफिट इन द वे दे हैड होप्ड और दे बेनिफिटेड टू स्लोली, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा था वो जो कर रहा था रिफॉर्म कर बचाओ, या फिर इतना कम फायदा हो रहा था कि नोटिस ही नहीं कर पा रहे थे। दिस विल बी सेकंड पॉइंट व्हाई ही वाज फेल्ड। हां जी सुखमन, others especially members of the communist party and those who were served by the system took exactly the opposite view. chalo ab jo jo isse khush nahi the unhone fir dusri choice dekh li, dusri choice kya thi, america capitalism, roman, sit in front of the camera beta. haan ji sukman uske baad fir kya hua, they felt that their power and privileges were eroding and Gorbachev was moving too quickly. अब वो कह रहे थे कि गर्बाचोव बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है, तो गर्बाचोव वाज फेल्ड टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द टू काइंड ऑफ पीपल, टू ग्रुप्स, एक ग्रुप कह रहा था कि वो बहुत स्लो है, एक ग्रुप कह रहा था बहुत फास्ट चल रहे हैं। अब जो तो ब्यूरोक्रेट्स थे, ब्यूरोक्रेट्स समझते हो, ब्यूरोक्रेट्स मुस्कान, ब्यूरोक्रेट क्या थे, हाईली रेटेड ऑफिसर्स, जो हाई रेटेड ऑफिसर थे ना, हाई रैंक ऑफिसर, वो गर्बाचोव को कहते थे कि थोड़ा सा हमें पेस में चलना है, स्पीड से चलना है, और वो अपनी तरफ करी जा रहे थे गर्बाचोव को कि सारी की सारी फैसिलिटीज हमें मिल जाए, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, पढ़ो बेटा सुखमन। इन द स्ट्रगल ऑफ वॉर गर्बाचोव लॉस्ट सपोर्ट ऑन ऑल साइड्स एंड डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन, और इस तरह से टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर क्या होता है, जैसे अनम्यूट योरसेल्फ, टग ऑफ वॉर एक गेम होती है, जब हम छोटे थे ना हमारे स्कूल में खेलते थे, सेवेंथ एट में खेलते थे, टग ऑफ वॉर, ये कौन क्या बोल रहे हो मैम, ये कौन सी गेम होती है टग ऑफ वॉर, मुझे पता नहीं, अरे छोटे बच्चे खेलते हैं, आप भी कभी खेले होंगे। ईशा अनम्यूट कर, टग ऑफ वॉर क्या गेम होती है मम, रोप से खेलते हैं, दो टीम्स बनी होती हैं तो ऐसे खींचना होता है अपनी साइड, क्या खींचना होता है मैम, दूसरी टीम जो होती है उसको अपनी तरफ को खींचना होता है हमने,
हाँ टग ऑफ वॉर होता है, जैसे मान लो एक रस्सी है या एक दुपट्टा है, इधर चार बंदे इधर चार बंदे, उसको बोलते हैं टग ऑफ वॉर, दोनों इधर उधर खींचते हैं, अगर इधर खींच गए तो ये चारों हार गए, इधर वाले रह गए तो ये चारों हार गए, इसे बोलते हैं टग ऑफ वॉर। तो गरबा चौक बेचारा टग ऑफ वॉर में फंस गया, वो पीपल को देखे कि ब्यूरोक्रेट्स को देखे, पीपल कह रहे थे इस स्पीड से रिफॉर्म करो, ब्यूरोक्रेट्स कह रहे थे इस स्पीड से रिफॉर्म करो, तो गरबा चौक फंस गए टग ऑफ वॉर। तो सो मेनी रीजंस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वन मोर शी इज रेडी। हाँ सुखमन, Even those who were with him became disillusioned as they felt that he did not adequately defend his own policies. अब वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े-बड़े ऑफिसर हैं, वो कहते हैं गरबा चौक हमारा ही, मतलब मंत्री टाइप होकर प्रेसिडेंट टाइप होकर तो हमारा ही नहीं फायदा सोच रहा, वो भी खिलाफ हो गए पब्लिक के खिलाफ। नाउ सी इमेजिन द कंडीशन ऑफ मिखाइल गॉर्बाचोव, इतना सही लीडर होने के बावजूद, कुछ करने के बावजूद भी मिखाइल गॉर्बाचोव सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, ना तो वो पीपल को बैलेंस रख पा रहा था, ना ब्यूरोक्रेट्स को बैलेंस रख पा रहा था। नाउ इमीडिएट कॉज में पढ़ाने वाली हूँ, सोवियत यूनियन टूटा क्यों, नंबर ऑफ कॉजेज वी हैव डन, कल भी हमने पढ़े थे, डे बिफोर यस्टरडे वी हैव रेड अबाउट द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ कॉजेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, बट इमीडिएट कॉज एक ही होता है, यू नो अब एक बलून फटता ना, जब बलून में हम कितनी सारी हवा भरते हैं, कितने सारे ब्लोज करते हैं, तो बलून नहीं फटता, बट एक लास्ट ब्लो करने से बलून बस्ट हो जाता है। तो देन इट मींस ऐसा नहीं कि ओनली द लास्ट ब्लो, फिर हम कहते ओहो बस बोला था अभी बलून फट गया, एक लास्ट हवा ना भरते तो बच जाना था बलून। तो ये लास्ट हवा समटाइम, दिस लास्ट ब्लो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बस्टिंग द बलून। नाउ दिस लास्ट blow, the immediate cause is responsible for the disintegration of Soviet Union. एक last कारण पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत से कारण हमने कल भी पढ़े थे, सुखमन ने आज बाइंड अप करा, और अभी गॉर्बाचोव भी फेल हो गया, बेचारा नहीं बैलेंस कर पा रहा था, तो सो मेनी रीजन वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग ऑफ सोवियत यूनियन, बट लास्ट एंड इमीडिएट रीजन। अब आप यहाँ पर लिखो इमीडिएट कॉज, जहां से हमने भी पढ़ना है, ऑल दिस माइट, इसके ऊपर लिखो इमीडिएट कॉज। हां जी किरण, स्टार्ट रीडिंग बेटा, इमीडिएट कॉज, ऑल दिस माइट, ऑल दिस माइट नॉट हैव लेड टू द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन बट फॉर अनदर डेवलपमेंट दैट सरप्राइज्ड मोस्ट ऑब्जर्वर्स एंड इनडीड मेनी इनसाइडर्स, द राइज ऑफ नेशनलिज्म, कंटिन्यू कंटिन्यू, the rise of nationalism and the desire of sovereignty within various republics including Russia and the Baltic republics Estonia, Latvia and Lithuania, Ukraine, Georgia and others proved to be the final and the most immediate cause for the disintegration of the USSR. Here again there are few, are different differing views. One view, wait, Kiran, wait, ab ye sare rich people aa gaye, ameer log aa gaye, then who will ask something from the poor people? Now the name Kiran has read all our rich country, they started interfering in Gorbachev's reforms. Please underline your one mark answer, all rich countries she has read, like Russia, Baltic republics, Estonia, Latvia, Lithuania, Ukraine, Georgia, they are rich countries, बड़े अमीर देश थे ये, एंड अदर प्रूव टू बी द फाइनल एंड मोस्ट इमीडिएट कॉज फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। जब इन्होंने इंटरफेयर किया फिर बेचारे सोवियत यूनियन का क्या बनना था, और सोवियत यूनियन टूट गया। ओके चलो रोमन स्टार्ट रीडिंग बेटा, नेक्स्ट, वन व्यू इज दैट, मैम मेरे को बुक, देखो ये फिर गलत बात है ना, सेकंड चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होने वाला है एंड यू आर नॉट हैविंग बुक, एटलीस्ट बुक वन ले लो, बुक वन अभी शुरू कर रही हूँ, अभी दो महीने यही चलेगी, एटलीस्ट अरेंज बुक वन। ओके ये कौन सा ज्यादा महंगी है, ऑनलाइन मंगवा लो, बेशक स्कूल आके ले लो, मार्केट से ले लो, कॉमन बुक है ये। हाँ जी जशन, स्टार्ट रीडिंग बेटा, वन व्यू इज दैट, मैम मेरे पास बुक है पर मैं घर पे नहीं हूँ, पहुंचो या पहुंचो अपने पास पहुंचाओ, ठीक है,
टाइम पे लॉस हो जाएगा, बार बार मैं कह रही हूँ। तन्वी शुरू करो बेटा। वन व्यू। गुड मॉर्निंग मैम। One view is that nationalist urges and feelings were very much at work throughout the history of the Soviet Union, and that whether or not the reforms had occurred there would have been at internal struggle within the Soviet Union. चलो, अब struggle तो होना ही था, because all the people were looking to US. अब comparison करना शुरू कर दिया, यहाँ पर तो कुछ हो नहीं रहा था, तो अमेरिका की तरफ देखने लगे कि अमेरिका तो बहुत तरक्की कर रहा है, तो सोवियत यूनियन क्या करेगा? Then, second cause, beta, Tanvi. This is a what if of history, but surely it is not an unreasonable view given the size and diversity of the Soviet Union and its growing internal problems. ठीक है, internal problem होने की वजह से Soviet Union टूट गया था. Next. Others think that Gorbachev's reforms speeded up and increased nationalist dissatisfaction to the point that the government and rulers could not control it. कुछ लोग कहते हैं कि उनके रिफॉर्म काफी ज्यादा थे और इतने स्पीडी थे ना, लोगों को समझ ही नहीं आई और पीपल उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, उसको थोड़ा स्लो चलना चाहिए था, गर्बाचोव को कोई समझ ही नहीं पाया। कुछ लोग कहते हैं उसको स्लो चलना चाहिए था, कुछ लोग कहते हैं उसने स्पीडी रिफॉर्म्स करे, हमें समझ ही नहीं आ रही। हाँ जी तन्वी। Ironically, during the Cold War, many thought that nationalist unrest would be strongest in the Central Asian republics, given their ethnic and religious differences with the rest of the Soviet Union and their economic backwardness. Central Asian republic जो थी ना, ये Soviet Union से अलग नहीं हुई थी। इसको ना underline करो और अपने हाथ से ना यहाँ पर here is the blank space ना, please write here one line with your pen. That Soviet, sorry, Central Asian republics never separated from Soviet Union. इनका बड़ा भरोसा था Soviet Union पे। Soviet Union अपने अंतिम सांस गिन रहा है, बेचारा मरने वाला, Soviet Union खत्म होने वाला, but Central Asian republics ने उसका साथ नहीं छोड़ा। सिर्फ एक यही एरिया था जिसने Soviet Union का साथ नहीं छोड़ा, हालांकि Soviet Union is about to die. क्यों नहीं साथ छोड़ा? क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स छोटे छोटे देश थे, पुअर देश थे, बैकवर्ड थे, तो उनको सोवियत यूनियन का साथ चाहिए था, इसलिए वो उसके साथ ही रहे। चले खुद खड़े नहीं हो सकते थे, तो फिर वो उनको बड़े बंदे का तो सहारा लेना था, शुरू से ही सोवियत यूनियन के साथ थे तो फिर उसके साथ ही रहे। अच्छा, हाउएवर, हाँ पढ़ो बेटा तन्नी। However, as things turned out, nationalist satisfaction with the Soviet Union was more European and prosperous part in Russia and the Baltic areas as well as Union. ठीक है, तो dissatisfaction हो गई Soviet Union से, बहुत ज़्यादा strong dissatisfaction हो गई, और European जो prosperous part था Russia का, उधर लोग ज़्यादा खींच लिए। अब ध्यान Russia की तरफ चला गया, Soviet Union उनको बेकार लगने लगा। हाँ जी। People here felt alienated from the Central Asians and from each other, and concluded also the price to keep the more backward areas within the Soviet Union. चलो, अब जो बाकी लोग थे वो alien, alien समझते हो? Alien कौन होते हैं? They were different from the other people. तो खुद को alienated महसूस करने लग गए। उनको लगता था ना हम यहाँ के हैं, ना हम उधर जा सकते हैं। So this was another reason for disintegration of Soviet Union. बस टिक कर लो, इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना हमें। नाउ सी, आई हैव टॉट यू ओनली फॉर कैलकुलेट, तो करो जरा, मेरा कल 15 मिनट मैंने पढ़ाना है, बट एज द टॉपिक इज लिटल कॉम्प्लिकेटेड, हमने जो पढ़ा ना कल और आज सारा वाइंड अप कर लिया, कल मैंने कुछ नहीं लिखवाया। नाउ ओपन योर कॉपीज, राइट डाउन टूडेज डेट 2 अप्रैल, ध्यान से लिख के जाना जो मैंने कल और आज करवाया है। हाँ जी, बुक 1 चैप्टर 2 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अरमान बेटा वीडियो ऑन।
I am giving you answer and question and hints also. Full 6 marks answer we will not write. We will only and only write hint. 6 number का answer नहीं लिखवा सकती हूँ आपको. ठीक है? That I have given you those 2 words. लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको हिंट दे दूंगी. एनसीईआरटी में बड़ी अच्छी लैंग्वेज दी है, वहां से भी कर सकते हो. बट वाइल राइटिंग इफ यू फेस एनी डाउट यू प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी कि मैम ये क्या पॉइंट है, मैडम ये क्या क्वेश्चन है, मैडम इसका क्या मीनिंग है, अभी पूछ लेना मुझसे. ठीक है? क्योंकि 1-2 दिन तक ही हम लोग डाउट क्लियर कर पाते हैं, उसके बाद देन वी आर टू द नेक्स्ट टॉपिक. है ना? यस कूल ओके. पढ़ने चैप्टर कितना भी डिफिकल्ट हो, सिर्फ अपने मन में आपने कूल ओके पढ़ना है. ठीक है? कितनी भी चीज डिफिकल्ट हो, बस दिमाग में ये बैठाओ कि मैडम हमें समझा रहे हैं, बुक वाला ही तो आना है पेपर में, बुक से बाहर थोड़ा आना है. है ना? तो बस ये चीज हमें समझ आनी चाहिए, हमें सारी स्टोरी समझ आनी. ठीक है? चलो नाउ ओपन योर कॉपीज. मैं आपकी कॉपीज भी चेक करूंगी अभी. बुक वन पहले ऊपर लिखो, जैसे मैं लिखती हूँ वैसे लिखो आप. चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. मैंने कितनी बार समझाया एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. है ना? हर बार जब ये लेसन शुरू किया पिछले 4-5 दिन से बता रही हूँ बाइपोलैरिटी. बाइपोलैरिटी बताना अरमान से पूछे जरा. हाँ अरमान, दिस टाइम ना अरमान आई एम प्राउड ऑफ यू. अरमान आई एम प्राउड ऑफ यू क्योंकि अरमान रोज क्लास लगाता है, दूसरी बात है रीडिंग बहुत अच्छी करता है, तीसरी बात उसकी कॉपी कंप्लीट है, एंड फोर्थ थिंग उसको सब समझ आता है. जब याद करेगा ना ये रिवीजन करेगा, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल बी रिवाइज इन द माइंड, दिमाग में सारी बातें आ जाएंगी. अब मुस्कान से सुखमन से जब मैं पूछती हूँ दे एग्जैक्टली टेल मी द एक्सप्लेनेशन द वे इन विच आई एक्सप्लेन, सेम वैसा ही बता देती है मुझे. अच्छा अरमान तू मुझे बता क्या पूछने वाली थी मैं, बाइपोलैरिटी क्या था? अनम्यूट कर. हाँ बाइपोलैरिटी अपने कि अपने यूएस और रशिया के बने हैं मकान टू पावरफुल कंट्रीज थे. ठीक है? कौन-कौन से? अमेरिका ते वो रशिया. हाँ यूएसएसआर. ठीक है? यूएसएसआर. अमेरिका की पॉलिसी क्या थी? नहीं कम्युनिज्म. नहीं अमेरिका की कैपिटलिज्म थी, यूएसएसआर की कम्युनिज्म. और ये बता इन्होंने ब्लॉक्स बनाए थे है ना, सोवियत यूनियन का कौन सा ब्लॉक था? ईस्टर्न वेस्टर्न. ईस्टर्न ब्लॉक थे वो वेस्टर्न. हाँ और अमेरिका का वेस्टर्न था. नाटो किस नाटो किसका था? अपने यूएसआर था. नाटो और वॉर्सा यूएसएसआर था. तो अब बाइपोलर दो वर्ड थे. थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच अरमान. तो बाइपोलर वर्ड खत्म हो जाएंगे, सिर्फ यूनिपोलर रहेगा, एक ही देश सामने रहेगा. अच्छा वैसे हम ये नहीं चाहते थे, आपको पता है इंडिया ये नहीं चाहता था कि बाइपोलर हो या यूनिपोलर हो. इंडिया कभी नहीं ये चाहता था कि दो ही पावरफुल कंट्री हो या एक पावरफुल कंट्री हो. इंडिया पता किसने बिलीव करता था? मल्टीपोलर, सब पावरफुल हो जाए, सब अपना 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 एटॉमिक एनर्जी बनाए, सब अपना अपना न्यूक्लियर पावर बनाए, कोई किसी पर अटैक ना करे, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए बनाए, सारे पावरफुल हो जाए. क्यों अमेरिका पावरफुल हो? अच्छा आज हम अमेरिका पावरफुल नहीं करती तो बात की पुरानी बुक है ना एनसीईआरटी लिखा हुआ है ना, अमेरिका पावरफुल हो गया. एक चैप्टर भी है यूएस हेजेमनी. हेजेमनी होता पावरफुल, पूरी दुनिया में अमेरिका का दबदबा, पर आज नहीं है, बुक पुरानी है, लिखा है. आज अमेरिका को कोरोना वायरस ने बहुत नीचे कर दिया, नंबर ऑफ डेथ अकर, लॉकडाउन अमेरिका ने पूरे टाइम नहीं लगाया. क्यों? क्योंकि इकोनॉमी डाउन हो जानी थी. ये हम ही हैं इंडिया वाले, दो दो ढाई ढाई महीने घर बैठ के खाते रहे हैं. इवन गवर्नमेंट इज ऑल्सो हेल्पिंग द पुअर पीपल, है ना? आप लोग चलो बाहर तो नहीं निकलते थे, व्हाट्सएप वीडियोज पे हमने देखा है इंडियन गवर्नमेंट हेल्पिंग द पुअर पीपल, उनको फूड भी कुक्ड फूड भी उनको मिलता रहा है, राशन भी मिलता रहा है पुअर पीपल को. कोई कंट्री 2 महीने तक ठप नहीं रख सकता अपना कारोबार,
पर अमेरिका ने रखा तो नहीं, पर फिर भी अमेरिका की इकोनॉमी काफी डाउन हो चुकी है। आज के बच्चे नहीं पढ़ेंगे अमेरिका पावरफुल कंट्री है, बट उसमें लिखा है तो एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे, तो अभी हम अमेरिका को ही पावरफुल करेंगे। अभी हमने अमेरिका पढ़ा नहीं है, सिर्फ मैं बता रही हूँ। चल नाउ ओपन योर कॉपीज, यू हैव रिटन बुक वन एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ठीक है। सम अप करेंगे वट एवर वी हैव डन टुडे एंड यस्टरडे, ओके। अब जब हमने शुरू करा था ना, अब जो मैं बना रही हूँ ना बोर्ड पे, वही आप बता दीजिए, ठीक है। अच्छा, विच वॉज द फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड? मुस्कान अनम्यूट करो, सबसे पहले हमने क्या करा था? What is the Soviet Union? ना 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 ना, सोवियत यूनियन का था इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ा था? From the very beginning. सोवियत यूनियन से पहले सबसे पहले कौन सी फोटो थी? From where the chapter begins? Berlin. बर्लिन वॉल, बर्लिन वॉल थी और लोगों ने वो दीवार तोड़ दी। अब वट एवर द थिंग्स आई एम ड्रॉइंग हियर, राइटिंग हियर, स्टार्ट राइटिंग अलॉन्ग विद मी। एक्चुअली द सेम थिंग्स आई एम गोइंग टू राइट ओवर विच इज मेंशन इन द एनसीईआरटी बुक, बट सम अप कर रही हूं मैं। जब रिवाइज करोगे चैप्टर तो ये पेज कॉपी अपने पास रखना, प्लीज नोट डाउन ऑन क्लियर कॉपी, नॉट ऑन रफ कॉपी। जशन तुम आज एक पेज पे नोट कर ले, अगर कॉपी नहीं है देन स्टेपल दिस पेज ऑन द क्लियर कॉपी, ओके। हाँ जी, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर बाइपोलर, ठीक है, यानी कि टू सुपर पावर। बाइपोलर इट मींस टू सुपर पावर, और टू सुपर पावर यानी एसयू एंड यूएस, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बाइपोलर तो समझते हो ना, टू कंट्रीज, जैसा मैं लिखती हूँ अपनी कॉपी पे नोट करते हो। ठीक है, दो कंट्रीज पे। अब बाइपोलर वर्ल्ड खत्म होने वाला, जो हमारे चैप्टर का नाम है, आपके सामने ये है बाइपोलर, ठीक है। बाइपोलर वर्ल्ड में दो पावर, अब ये एंड होगा वर्ल्ड, दोनों की दोनों पावर, यहां पर हमारे पास फर्स्ट पावर यूएसए और यूएसएसआर। अब इसका हमने कर देना है एंड, दोनों पावर नहीं रहेगी, एक ही रहेगी, ठीक है। नोट करते जाओ, वट एवर आई एम ड्रॉइंग है ना, वट एवर आई तन्वी नोट कर रही है ना बेटा, ठीक है। किरण नोट कर रही हो ना, ओके ओके। उसके बाद ये भी बर्लिन हुआ, दीवार बनाई हुई, ठीक है। कैमरा नीचे करो, बर्लिन हुआ, ये है बर्लिन हुआ, बर्लिन है जर्मनी की कैपिटल। कैपिटल ऑफ जर्मनी। अब ये दीवार ना दो साइड हुई थी, आगे कुछ और थी और आगे कुछ और, ठीक है। ईस्ट बर्लिन और वेस्टर्न बर्लिन, ये दीवार ऐसी, ये था ईस्ट बर्लिन, ये है वेस्ट बर्लिन। ओके, अब इस दीवार को लोगों ने तोड़ दिया,
पीपल ने ही तोड़ दिया, ये मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ 1961 लिख लो। अब ये जो वॉर थी ना, ये वॉर ये डिवाइड कर रही थी इन दोनों को। इस दीवार की वजह से बर्लिन दो टुकड़े हुआ हुआ था। अब जो वेस्ट बर्लिन था वो कैपिटलिज्म था, ये समझ जाओगे मैंने कैपिटलिज्म लिखा। कैपिटलिज्म मतलब, सॉरी बेटा इधर वेस्ट आना, इधर ईस्ट आना, ये वेस्ट आना, ये ईस्ट आना। ठीक है, और इधर था कम्युनिज्म और यूएसएसआर। प्लीज हरी अप, द बर्लिन वॉर वॉज ब्रोकन कब तोड़ दी गई, नवंबर 1989। And communism and capitalism work. And Berlin was hunt. Of Berlin, Georgia. ये लाइन लिखो बेटा, कॉपी चेक करती होती हूँ लास्ट में 5 मिनट में, तो नोट करते जाओ। बाइपोलर वर्ल्ड फिनिश, and unipolar begin. USSR finished. USA winner. Please note down. ये अब तक की कहानी थी, ठीक है। ये आपको मैंने मेन थिंग्स आपको बता दी मैंने, प्लीज नोट डाउन। मैं ये वो नोट्स दे रही हूँ आपको जो वेरी वेरी वैल्यूएबल।
एंड कीप योर कॉपीज प्रिजर्व विद यू, अपनी कॉपीज बुक नहीं करनी, इसको संभाल के रखना अच्छे से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था कि सोवियत यूनियन क्या था, है ना, व्हाट वाज सोवियत यूनियन, यही पढ़ा ना। अब एक हेडिंग बनाओ, व्हाट वाज सोवियत यूनियन, बोल्ड में या ब्लैक पेन से या डिफरेंट पेन से एक हेडिंग बनाओ, व्हाट वाज सोवियत यूनियन, और उसको अंडरलाइन करो। What was Soviet Union? सुखमन लिख रही है बेटा, तभी मैंने आज सिर्फ 15 मिनट पढ़ाया, because I have to give you the notes, important notes regarding this chapter. हाँ सुखमन बेटा, हाँ सुखमन, हम सोवियत यूनियन वाला आपने पैराग्राफ लिखवाया हुआ है पहले, लिखवाया तो हुआ है, हिंट लिख लो बस, आज मैं हिंट दे रही हूँ, चार पांच लाइनें हैं, वो मेन मेन चीजें लिख लो, ठीक है। चलो मैं रब करूँ ये, चल आई रब इट, सो मैं काम सब यू हैव डन, नहीं तो मैं वेट कर लेती हूँ। सुखमन तन्वी ने कर लिया, ओके परम डन बेटा, अरमान डन बेटा, चलो मैं वेट कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। चलो थैंक यू वेरी मच, नाउ आई एम गोइंग टू रवि, अब ये सारा आप ही रब कर देना, आप ना क्रॉस कर देना, यू स्टार्ट अ न्यू पेज, व्हाट वाज सोवियत यूनियन, एक हेडिंग बनाओ, एक मिनट दे रही हूं मैं आपको, What was Soviet Union? Okay, what was Soviet Union? अब इसका आंसर लिखेंगे। USSR called as USSR के फुल फॉर्म बताओ, मुस्कान अनम्यूट योरसेल्फ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर, फुल फॉर्म ऑफ हाँ जी सुखमन बेटा, मैम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, हाँ जी लिख दी थी, थैंक यू बेटा, इसको हम एसयू कहते थे, यानी कि कॉल्ड एसयू, सोवियत यूनियन यूएसएसआर था, बाद में दोनों ही नाम नहीं रहे और रशिया बना था। और ये थी हमारी सेकेंड सुपर पावर, यूएसएसआर थी हमारी सेकेंड सुपर पावर, ईशा फर्स्ट सुपर पावर क्या थी, ये सेकेंड सुपर पावर था, है ना ईशा, अनम्यूट योरसेल्फ, फर्स्ट सुपर पावर कौन थी, ये सेकेंड सुपर पावर है ना, तो व्हाट वाज फर्स्ट सुपर पावर, ईशा अनम्यूट योरसेल्फ, मुस्कान क्या बोला आपने, मैम यूनियन ऑफ के बाद क्या लिखे, मैं क्यों बताऊं, मुझे भी तो पता है यूएसएसआर के फुल फॉर्म, यूनियन ऑफ Union of Soviet Socialist Republic. Okay. Yeah. चलो नेक्स्ट बेटा, सुपर पावर यूएसए,
और ये कब बना था? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आफ्टर वर्ल्ड वॉर ठीक है। सोवियत यूनियन में फॉर्म एट द टाइम ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। इन 1917 राइट। यहां पर था कम्युनिज्म। अब ये कम्युनिज्म क्या था? व्हाट वाज कम्युनिज्म? All a set property, land will be under the control of the किसके control में रहेगा? अरमान अनम्यूट योरसेल्फ। किसके कंट्रोल में रहेगा ये सारा कुछ कम्युनिज्म में? किसके कंट्रोल में रहता है? सोवियत यूनियन। हाँ, कम्युनिज्म में कौन मालिक होता है? हु विल बी द ओनर अंडर कम्युनिज्म? State will be the owner. Ma'am, all ke baad kya likha hai? Ke baad? All ke baad. All a set. A-double-S-T. Comics mein padhti hoon aapke word. A set. One party dominance. It means no opposition party. हमारे यहाँ तो है ना opposition party, ruling party. रोमन अनम्यूट योरसेल्फ। रोमन विच इज द रूलिंग पार्टी इन इंडिया? बीजेपी। बीजेपी। हु इज द हेड ऑफ बीजेपी इन इंडिया? हम श्री नरेंद्र मोदी। हाँ हाँ जी, मिस्टर नरेंद्र मोदी। क्या बोला आपने? मोदी बोला ना। अच्छा, हु नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। विच इज द ऑपोजिशन पार्टी इन इंडिया? कांग्रेस। Congress. And who is the leader of Congress? N member of
नहीं पता. तन्मी, हु इज द लीडर ऑफ कांग्रेस? आई थिंक राहुल गांधी. हाँ जी, यू थिंक राइट, राहुल गांधी. लेकिन देखो कम्युनिज्म में एक ही पार्टी होती है, वही बनेगी, वही हारेगी, वही सरकार बनाएगी, कोई दूसरी पार्टी नहीं है. बट्टी सपा में फैलेंगे इलेक्शन ओवर देयर, कोई दूसरी पार्टी नहीं है. वहां पर लोग किसको चुनते हैं? वो पीपल बनाना हैप्पी. नाउ व्हाट्सएप एक्ट इन्होंने करा था, ईस्ट यूरोप कंट्री. ईयर बताना मुझे व्हाट्सएप एक्ट का. सुखमन ईयर बता. सुखमन ईयर व्हाट्सएप एक्ट ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज. मैम ईयर नहीं याद है ना. अरे है ना, पेज नंबर लिखा था अभी. बुक का तो पता लग जाना, याद नहीं है बस. 1955. 1955 और नाटो. नाटो 1949. चलो अब नहीं हम कर रहे व्हाट्सएप एक्ट 1955. राइट, नेक्स्ट. ओके, व्हाट्सएप एक्ट 1955. और इसमें कौन से कंट्रीज थे? ईस्ट यूरोप कंट्री. तभी तो इसका नाम ईस्टर्न ग्रुप था, क्योंकि सारे ईस्ट यूरोप कंट्रीज थे. तभी तो इसका नाम ईस्टर्न ग्रुप था. और ये सोशलिस्ट ब्लॉक था, सेकेंड वर्ल्ड का, इसको हम कहते हैं. सोशलिस्ट ब्लॉक सेकेंड वर्ल्ड कंट्री. सोशलिस्ट ब्लॉक सेकेंड वर्ल्ड कंट्री. इसका मैप भी करना, तभी मैं हिंट लिखवा रही हूँ आपको. इसका मैप भी करना. मैप पे हमें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री भरने होते हैं. ओके, सेकंड वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड. अच्छा, इसका लीडर कौन था? इन सब का लीडर, ये सारा कम्युनिज्म पढ़ा, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड पढ़ा, यूएसएसआर पढ़ा, सोवियत यूनियन पढ़ा. Who was the leader of all? किस कौन सा कंट्री लीडर है? Which country is the leader? लीडर कौन चल रहा है यहाँ पर? रशिया. हाँ जी, अभी तो ये बोल के सारे बनेंगे, पर आज भी रशिया बनेगा, ठीक है, इसीलिए रशिया बनना आगे रहा है. Now please note down. रोमन बात बात में करी बेटा, पहले फटाफट नोट कर ले. हाँ जी, प्लीज नोट डाउन. तन्मी नोट कर ले बेटा पहले. मैम कर लिया. गुड 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 गुड. सारा कुछ एंड था, लीडर यूएसए, सारा कुछ. यस मैम. ओके, नाउ व्हाट यू विल डू, ग्रेट वन, अब आपने करना क्या है? यू हैव टू रिवाइज ऑल द थिंग्स एंड साथ में एनसीईआरटी बुक भी खोल लेना, ठीक है. सेकेंड चैप्टर बर्लिन वॉल से शुरू होकर
सारा कुछ पढ़ लेना यूएसएसआर का, मतलब उतना ही जितना मैंने पढ़ाया, अपने आप नहीं पढ़ना, और देख लेना ये चीजें समझ आ गई, नहीं तो पुरानी मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियोस देख लेना, उसमें 3 वीडियोस मैंने अपलोड करी है कोल्ड वॉर की, सॉरी एंड ऑफ बाइपोलर की, ठीक है, क्योंकि चीजें अभी ही समझ आ जाए तो अच्छा होगा, वरना दिक्कत आ जाएगी। रोमन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ जी मैम। हाँ जी बेटा, कैसा लगा आज पढ़ के? बहुत बढ़िया। अच्छा ही लगेगा, बिकॉज वर्ल्ड पॉलिटिक्स वी आर लर्निंग हियर। आपको पता सारे कंट्री पूरा यूरोप घूमना हमने, अभी तो रशिया, फिर हमें अमेरिका जाना है, फिर बहुत से कंट्रीज घूमना है। ओके, सो बेटर टू अटेंड ऑल द क्लासेस ऑन डेली बेसिस। एक भी क्लास मिस हुई तो कुछ पता नहीं चलेगा कौन सा कंट्री कहाँ था, और अगर क्लास अटेंड कर ली, एक बार ये सब रिवाइज कर लिया, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी फॉर द होल ईयर। ठीक है? यस मैम। नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास। डन बेटा, शो मी थम्स अप इफ दिस इज क्लियर टू यू, फिर वाइंड अप करती हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच रोमन, मुस्कान, तन्वी, ईशा, सुखमन, परम, जशन। जशन थम्स अप नहीं दिखा मुझे, चलो ठीक है, रियल थम्स अप शी इज शोइंग। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू बेटा।